राजन शाही का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो वो तो है अलबेला आएगा इस दिन लास्ट एपिसोड। क्या वाकई वो तो है अलबेला हमेशा हमेशा के लिए अपने फैंस का साथ छोड़ने जा रहा है? क्या वाकई ये शो ऑफ एयर होने जा रहा है? तो फिर बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। राजन शाही का दूसरा सबसे बड़ा शो शाहिर शेख और हिबा नवाब का स्टार भारत का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। इस शो में वैसे तो कई सारे एपिसोड लोगों ने खूब पसंद किया है। करीब 300 से ज़्यादा एपिसोड पूरा करने वाला ये शो अब बहुत ही जल्दी ऑफ एयर की कगार पे आ चुका है। इसके कई सारे बड़े रीज़न हैं। राजन शाही के इस शो के फ्लॉप होने के बहुत सारे रीज़न हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूँ, इस शो में लीप आने के बाद कई सारे फैंस इस शो के मेकर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। शो के एक्टर्स ने हमेशा से ही शो की फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, शो में दमखम दिखाया है, जिसके बाद वो तो है अलबेला आज भी स्टार भारत पर सर्वाइव करने में कामयाब रहा। लेकिन अब 300 एपिसोड के बाद अब वो तो है अलबेला की दशा और दिशा बदलती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस शो में जिस तरीके से टीआरपी रेटिंग गिर रही है वो कहना गलत नहीं है कि बहुत ही जल्दी शाहिर शेख और हिबा नवाब का शो स्टार भारत से हमेशा हमेशा के लिए ऑफ एयर किया जा सकता है। इसके पीछे अगर हम बात करें तो सामने आता है ये तीन बड़ा रीज़न। दरअसल फैंस की माने तो राजन शाही ने इस शो में लीप लाख शो की मटिया मेट कर दी, और दूसरा है ये बड़ा रीज़न जिसके चलते शो लगातार टीआरपी में डाउन जा रहा है, और ये है शो के ऑफ एयर होने का बड़ा रीज़न। शो के टाइम स्लॉट, शो पे स्टार भारत जैसे चैनलों का लोगो ये शो को और भी ज़्यादा निचली स्तर पर लेके जा रहा है। तीसरा है ये बड़ा रीज़न जिसके चलते राजन शाही का ये शो अब ऑफ एयर डेंजर में आ चुका है। दरअसल मैं आपको बता दूँ, शाहिर शेख के इन दिनों भी सितारे बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं हैं। शाहिर शेख के कई सारे शोज़ ऑफ एयर हो चुके हैं, और ये अब कहना गलत नहीं होगा कि अगर वो तो है अलबेला जैसे बड़े शो अगर ऑफ एयर हो जाते हैं तो शाहिर शेख के लिए एक बड़ी रैंकिंग से हाथ गंवाना पड़ेगा। फिलहाल आपका क्या है ओपिनियन, क्या लगता है आपको, क्या वाकई वो तो है अलबेला जैसे शो को ऑफ एयर करने का वक्त आ गया है, या आप मानते हो कि शो को देना चाहिए थोड़ा सा वक्त? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।